हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की ओर, शाम में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दिल्ली में मनोहर लाल खट्टर के घर बीजेपी की अहम बैठक, मीटिंग में बीजेपी के प्रभारी और सह प्रभारी भी पहुंचे। चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सैनी से की बात, जीत की बधाई दी। सीएम सैनी बोले, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, बीजेपी जनता की सेवा करती है। हरियाणा के रुझानों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, जयराम रमेश बोले, चुनाव आयोग जानबूझकर वेबसाइट पर धीरे धीरे रुझान शेयर कर रही है, क्या बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। जयराम रमेश के ट्वीट पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार, कहा, अगर जयराम रमेश चुनाव आयोग पर उंगली उठाने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। चुनावी नतीजों को लेकर कांग्रेस पर भड़का शिवसेना उद्धव गुट, प्रियंका चतुर्वेदी बोली, सीधी लड़ाई में कांग्रेस कमजोर, बीजेपी ने अच्छा प्रचार किया, कांग्रेस को रणनीति बदलने की जरूरत। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला जीते, बीजेपी के लीलाराम को 9,000 से ज्यादा वोटों से हराया। जुनाना से कांग्रेस की वीरेश फोगाट जीती, बीजेपी के योगेश कुमार को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। नू से कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद 46,963 वोटों से जीते, पेहवा से भी कांग्रेस के मनदीप चड्डा जीते। जींद से बीजेपी के कृष्णलाल मिड्डा 15,860 वोटों से जीते, खरखोदा सीट से भी बीजेपी के पवन खरखोदा की जीत। गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते, बीजेपी की मंजू हुड्डा को 70,626 वोटों से हराया। थानेसर से कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा जीते, शबा से भी कांग्रेस के रामकरण 6,441 वोटों से जीते। हरियाणा के पानीपत शहरी सीट से जीते बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद विज, कांग्रेस के वरिंदर शाह को हराया। हरियाणा पर बोले शिवसेना चौहान शिवराज सिंह चौहान, बीएम ने जो काम किया है उसका असर हरियाणा में साफ दिख रहा है, जनता जानती है कि काम कौन करता है और नाटक कौन कर रहा है। शिवराज सिंह बोले, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी, बीजेपी ने अपने काम से नाम पर जनता से वोट मांगे। अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले, कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचते हैं। चुनावी नतीजों को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगहों पर जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, बोले, बीजेपी ही वर्तमान, बीजेपी ही भविष्य। कांग्रेस को इशारों में केजरीवाल की नसीहत, बोले, इस चुनाव की सबसे बड़ी सीख, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए, हर चुनाव हर सीट मुश्किल होती है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने भी हरियाणा रिजल्ट को लेकर कांग्रेस पर बयान दिया, कहा, कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने का करेंगे विश्लेषण। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों पर गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल को हरियाणा की जनता ने औकात बताई, एक मोदी सब पर भारी। राहुल गांधी पर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बोले, राहुल गांधी में बात करने का सेंस नहीं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को जोकर बताया, बोले, राहुल गांधी खुद को युवराज समझते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल पर गिरिराज सिंह का हमला, बोले, राहुल गांधी को कश्मीर में भी पटकनी मिली, कांग्रेस की काक की हांडी पार बार बार नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में खुला आम आदमी पार्टी का खाता, डोडा से आपके महराज मलिक ने बीजेपी के गजय सिंह राणा को 4,770 वोटों से शिकस्त दी। डोडा में आपकी जीत पर केजरीवाल का ट्वीट, कहा, महराज मलिक ने बीजेपी को हराकर शानदार जीत हासिल की, बहुत बहुत बधाई। जम्मू कश्मीर की गुरेज सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत, नजीर अहमद 11,000 से ज्यादा वोटों से जीते। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, अभिवादन स्वीकार किया, रुझानों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बढ़त है। जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणामों के बीच पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बड़ा बयान, कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि वो धारा 370 वापस लाए। कविंद्र गुप्ता बोले, घाटी में समीकरण ऐसे हैं जो हमारे पक्ष में नहीं है, अन्यथा हमारी सीटें बढ़ती। लखनऊ में सीएम योगी ने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के नए सदस्य के साथ पहली बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा की। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर हो रही मीटिंग, नाना पटोले संजय राउत समेत कई नेता मौजूद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तबियत बिगड़ी, आज होने वाले कैबिनेट की बैठक रद्द, सीएम शिंदे ने अपने निजी कार्यक्रम रद्द किए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह शामिल हुए। ईडी का समन मिलने पर मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष किशन मेघचंद्र ने जताई हैरानी, कहा, मैं आश्चर्यचकित और भ्रमित हूं कि मुझे ईडी की समन पत्र कैसे और क्यों मिला। 7 अक्टूबर को मेघचंद्र को ईडी के समक्ष होना पेश था, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने समन भेजा था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजो आगरा पहुंचे, पत्नी संग ताजमहल का दीदार किया। मूर्ति खंडित करने वालों को यूपी के सीएम योगी की कड़ी चेतावनी, कहा, किसी भी धर्म, जाति, मत या संप्रदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं। सीएम योगी ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों को चेताया, कहा, कानून को हाथ में लेने वालों को कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 40 से ज्यादा सीनियर डॉक्टरों का इस्तीफा, जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन के समर्थन में दिया सामूहिक इस्तीफा। धर्मतला में 10 सूत्री मांगों को लेकर 7 जूनियर डॉक्टर हैं भूख हड़ताल पर, जूनियर डॉक्टरों की मांग पूरा करने के लिए सीनियर डॉक्टरों का इस्तीफा।
शारदीय नवरात्र का छठा दिन दिल्ली के छतरपुर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। नवरात्र के छठे दिन भक्तों ने पूजा अर्चना की। नवरात्र के छठे दिन अयोध्या के बड़ी देवकाली देवी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। दर्शन के लिए लगी लंबी लंबी कतार। जयपुर के शीला माता मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्र के छठे दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। नवरात्रि के मौके पर इंदौर की सेंट्रल जेल में हुआ गरबा कार्यक्रम में महिला और पुरुष कैदी शामिल। जेल अध्यक्ष अलका सोनकर ने जानकारी दी।